वंदेतु सावसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवंगदिं पाते वोचामि समय पाहुडु मेणनो सुद केवली गणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद निश्चय रत्न त्रयों का स्वरूप समझा रहे हैं कि निश्चय रत्न त्रय आत्मा में ही होते हैं, बाहर में तो व्यवहार रत्नत्र होते हैं। तो ये जो आत्मा में निश्चय रत्नत्र होते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ज्ञानी के जीवन में प्रतिफलित होते हैं, इस बात को जो नहीं दिखने के बावजूद भी वो हमें इस समय सार में दिखा रहे हैं। समय सार में ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो वास्तव में अंतरंग का विषय है, जो अनुभव का विषय है। समय सार के शुरुआत में ही आचार्य कुनकुन ने पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा की कि मैं अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, निज वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो निज वैभव से दिखाऊंगा यानी कि ये जो है उस निज वैभव से ही दिखाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं दादा के प्रवचन सुन रहा था, दादा के प्रवचन में ये आया, कह रहे थे कि कुछ विद्वान व्याख्या करते करते और उत्साह में और अतिरेक में ये कह देते हैं कि आचार्य कुंद कुंद में आचार्य कुंद कुंद हर अंतर्मूर्त में आत्मा में जाते, डुबकी लगाते और फिर जैसा अनुभव आता था वैसा वे लिखते थे। हर अंतर्मूर्त में जा जा के जैसा देखते थे वैसा लिखते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अंदर आत्मा में बार बार देखने की जरूरत पड़े ऐसी बात ही नहीं है, ऐसा वो समझा रहे थे। ये बात को मैं थोड़ा सा सुने 5-7 दिन हो गई मेरे भी दिमाग में इतनी नहीं रही, मैं कितना समझा नहीं पा रहा हूँ इसको, लेकिन कहने का भाव ये है कि आत्मा को देखना और फिर शब्दों में डालना ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो जानी हुई है ज्ञान में उनके, फिर बाद में उसको लिख रहे हैं। हर अंतर्मूर्त में जाते तो थे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, जाते तो थे ही, वो कोई बात नहीं, लेकिन जाकर चेक करके फिर लिखे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आत्मा एक बार जान ली सो जान ली, उसको हर अंतर्मूर्त में बार 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 लिखने के लिए नहीं जानना पड़ता, अनुभव के लिए जानना पड़ता है, अनुभव करने के लिए जानना पड़ेगा लेकिन लिखने के लिए नहीं पड़ता है, ऐसा वो समझा रहे थे। मैं स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ, कभी मिलेगा वो प्रकरण तो मैं बताऊंगा आपको विशेष। देखो पिछली गाथा में ज्ञानी के जो है परिग्रह होते हुए भी उसमें उसके वेद्य वेदक भाव का अभाव रहता है, इसलिए मतलब वेद्य वेदक संबंध से वो ये जानता है कि परद्रव्य को मैं पूरी तरह से भोग ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब भोगने की इच्छा होगी तो पर पदार्थ नहीं होगा और पदार्थ होगा तो भोगने की इच्छा नहीं होगी, और यदि होगी भी तो वो मेरे ज्ञान के पकड़ के बाहर सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है, इसलिए वास्तव में वो उन भोगों की आकांक्षा नहीं करता, वह तो मात्र उनको जाने लेता है। ये बात हुई थी। अब इसके आगे की जो 217 नंबर की जो गाथा है उसको जरा देखते हैं। देखो ये 217 नंबर की गाथा है, दिख रही क्या? क्या हुआ, नहीं दिख रही? दिख रही ना आपको? कुछ Yes, it is visible. दिख रहा है ना? ये पता नहीं मेरे यहाँ से क्या हुआ इसको। चलो ठीक है, ये मुझे कुछ एक मिनट, ये कुछ मैसेज एक आ रखा है स्क्रीन पे, हट नहीं रहा है, क्या हुआ? अभी ठीक है। बंधु भोगणी मित्ते अज्य वसाणो दये सुनानि स संसार देह विशेषु नेव उपजते रागो। बंधु भोग निमित्ते, बंध और उपभोग के निमित्त में, द्विवचन का रूप है सप्तमी का, दो है इसलिए, बंध का निमित्त और उपभोग का निमित्त, बंध और उपभोग के निमित्त अज्यवसानेषु उदयेषु नानिसे, अध्यवसान के उदयों में, अध्यवसान यानी कि मान्यता, विभाव भाव, सोच, थिंकिंग, जो भी आप कहना चाहें, तो वो उसमें अध्यवसान के उदयों में बंध के निमित्त और उपभोग के निमित्त
और वो भी कैसे, संसार देह विशेषु, संसार विषय वाले और देह विषय वाले, यानी संसार संबंधी और देह संबंधी, ऐसे जो बंध और भोग के निमित्त हैं, उन निमित्तों में नाणिस से मतलब ज्ञानी को नियम माने नहीं उपजदे यानी उत्पन्न होता रागो माने राग, उसको ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं होता। किस किस में उत्पन्न नहीं होता? बंध के निमित्त में नहीं होता और भोग के निमित्त में भी नहीं होता। और वे निमित्त कैसे हैं कि जो बंध का निमित्त है वो तो संसार संबंधी है और भोग का निमित्त है वो देह संबंधी है। ये बात जो है इस गाथा के मूल शब्दार्थ। थोड़ी सी गाथा ऐसी है, दो प्रकार की बातें हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। बंध भोग निमित्त में और देह में संसार में सद्ज्ञानियों को राग होता नहीं अध्यवसान में। बंध भोग निमित्त में और देह में संसार में, देह माने शरीर में भी उनको राग नहीं होता और संसार में भी राग नहीं होता। और राग देखो दो बातें हुई, देह और संसार दो बातें, जो देह है वो तो भोग का निमित्त हो गया और जो संसार है वो बंध का निमित्त हो गया। ऐसे ऐसे मैचिंग बैठी, अभी समझ में आई बात? बंध का निमित्त और भोग का निमित्त, तो बंध का निमित्त होगा संसार और भोग का निमित्त है देह। सद्ज्ञानियों को राग होता नहीं अध्यवसान में, और जो अध्यवसान के उदय है, कर्मों के उदय से जितने भी विभाव परिणाम होते हैं उनके कारण यानी उनमें वो रागी को राग नहीं होता। ज्ञानी को राग तो अवश्य होता है, है? कौन सा वाला ज्ञानी? अभी जो अपरम भाव में उस वाले ज्ञानी को, उस ज्ञानी को राग तो होता है लेकिन राग के प्रति राग नहीं होता। ये बात समझाई जा रही है, ठीक है? तो इस तरह से ये मूल गाथा का शब्दार्थ हुआ। अब इस गाथा में जो बात कही है वो क्या कही है जरा देखते हैं। एक पैराग्राफ शुरू से पढ़ता हूं, तीन पैराग्राफ पढ़ता हूँ, एक नहीं तीन। पहले आत्मख्याति का पढ़ूंगा, फिर डॉक्टर भारिल ने उसको सरलार्थ किया वो पढ़ूंगा, उसके बाद गुरुदेव पांजी स्वामी वाला पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ कंटिन्यू पढ़ूंगा। देखो इसमें क्या लिखा है, इस लोक में जो भी अध्यवसान के उदय हैं उनमें कुछ तो संसार संबंधी है और कुछ शरीर संबंधी। जितने भी विवाह उत्पन्न होते हैं उनमें से कुछ तो जो है संसार से संबंधित है और कुछ शरीर से संबंधित है। उनमें से जो संसार से संबंधित हैं वे तो बंध के निमित्त हैं, और जो शरीर से संबंधित हैं वे भोग के निमित्त हैं। अच्छा भोग किससे भोगते हैं, इंद्रियों से या शरीर से? शरीर और इंद्रियों से भोग भोगते हैं, तो ये शरीर तो भोग का निमित्त है। और ये जो राग द्वेष मोह है ये संसार के निमित्त है। आएगा देखो, जो बंध के निमित्त है वे राग द्वेष मोह रूप हैं। जो बंध के निमित्त हैं, संसार के संसार संबंधी जो बंध के निमित्त हैं वे राग द्वेष मोह आदि रूप हैं। और जो भोग जो क्या होता है, ये तीन पैराग्राफ इसलिए पढ़ने पड़ रहे हैं मुझे कि ये जो कुछ गाथाएं ऐसी होती है जिनको एक बार पढ़ने पर क्लियर नहीं होता है। और ये समयसार अनुशीलन की खास बात ये है कि पहले समयसार कठिन बनता था, नहीं पढ़ने को होता था, बहुत मुश्किल पड़ती थी बात, क्योंकि वो एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आती बात, तो वो समयसार में तो एक ही बार लिखा है। लेकिन समयसार अनुशीलन में क्या किया कि एक विद्वान की दृष्टि में क्या है, दूसरे की दृष्टि में क्या है, तीसरे ने क्या कहा, एक ही बात को तीन चार पांच तरीके से कही गई है, तो वो दो तीन बार पढ़ने में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, तो अपने आप समझ में भी आ जाती है बात, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। देखो इस लोक में जो भी अध्यवसान के उदय हैं उनमें कुछ तो संसार संबंधी हैं, कुछ शरीर संबंधी हैं। उनमें से जो संसार संबंधी है वे बंध के निमित्त हैं, जो शरीर संबंधी हैं वे भोग के निमित्त हैं। जो बंध के निमित्त हैं यानी कि संसार संबंधी, वे कौन है? मोह राग द्वेष ये। और जो भोग के निमित्त हैं, शरीर से संबंधित तो भोग के निमित्त, वे हैं सुख दुख आदि, सुख दुख आदि रूप है। इन सभी में ज्ञानी को राग नहीं है। ज्ञानी को न तो सुख दुख पसंद है या ना पसंद है, ना पसंद भी राग में आएगा, राग में आएगा मतलब द्वेष में आएगा। राग और द्वेष
दोनों एक सिक्के का ही पहलू है, एक सिक्के टू साइड ऑफ वन कॉइन, एक एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, इसलिए राग कहे तो द्वेष कहे तो दोनों चीजें ले जाए तो वे सुख दुख आदि रूप हैं, इन सभी में ज्ञानी को राग नहीं, ना तो वो सुख दुख को चाहता है, ना तो दुख से डरता है, है डरता है वो बात अलग है, दो प्रकार का डर है, एक तो श्रद्धा संबंधी है ना बुरा मानने वाला, और एक होता है चारित्र मोह, सॉरी वीर्यांतराय कर्म के क्षय उपशम के अभाव में उस दुख को सहने की ताकत नहीं होना, दो बात है, तो इसलिए वो जो है वे सुख दुख आदि रूप हैं, इन सभी में ज्ञानी को राग नहीं है क्योंकि उनके नाना द्रव स्वभाव वाले होने से टंकुत किरण एक ज्ञायक स्वभाव भाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है, कि ज्ञानी ने एक नित्य आत्म तत्व को ही जान लिया है, इसलिए अब वो राग द्वेष मोह को मोह के प्रति भी राग नहीं है और न ही संसार के सुख दुखों में उसको राग है, तो कुल मिलाकर के जब राग द्वेष खत्म है तो राग द्वेष जिसके निमित्त है ऐसे परिग्रह और उसका उपभोग वो ज्ञानी के कैसे माना जाए, जब वो है ही नहीं तो फिर उसके बंद माना ही नहीं जाएगा, फिर तो निर्जरा ही मानी जाएगी, इस प्रकार से ये निर्जरा को सिद्ध कर रहे हैं। ये तो जो अभी पैराग्राफ पढ़ा वो आत्मख्याति का है, वो अपने आप में बहुत कठिन होता है ना, फिर उसको थोड़ा सरल करके बताते हैं। देखो यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि यहाँ मोह राग द्वेष को संसार संबंधी अध्यवसान बताकर बंध का कारण बताया, संसार संबंधी है मोह राग द्वेष, जब तक मोह राग द्वेष रहेंगे तो संसार का चक्र चलता रहता है, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, बंध होता रहता है, बंध का एकमात्र कारण है मोह राग द्वेष, कसाएं, और सरल शब्दों में कहें, एक ही शब्द में कहें तो कसाएं, देखो तीन शब्द है मोह राग द्वेष, तीन भी ज्यादा लगते हों और एक ही शब्द में कहना हो तो कसाएं कह दो, ऐसा है। पंडित टोडरमल जी ने समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि जिनको बंध नहीं करना हो वे सिर्फ कसाएं मत करो, बस एक ही सेंटेंस, सबसे छोटा सेंटेंस है, कम से कम शब्द का, जिनको बंध नहीं करना हो वो कसाएं, बाहर में कोई भी परिस्थिति बने है, जैसे मान लीजिए आपके मान लो कोई चीज का नुकसान हो गया, 1500 रुपए की चीज का कोई नुकसान हो गया, टूट फूट गई है, खो गई है, कुछ भी हो गई है, तो उसका जो दुख मनाते ना वो दुख है असली बंध का काम है ना, तो आप ये देखो कि वो कोई भी चीज आपकी टूट गई है, खो गई है, वो तो 1000, 2000, 5000 की चीज है, 10000 की चीज है ना, वो तो कोई बर भुगतेंगे इस जन्म में, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके एवज में जो हमने दुख मनाया है उसकी सजा बड़ी जबरदस्त। एक बार राहुल संस्कृत्यायन की पत्नी की घड़ी खो गई, राहुल संस्कृत्यायन बहुत बड़े साहित्यकार और निबंधकार, यात्राकार और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बहुत बड़े महापंडित माने जाते हैं, उनकी उपाधि है महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, यात्रा वृत्तांत बहुत लिखे उन्होंने, तो उनकी पत्नी की जो घड़ी है खो गई एक बार, तो बहुत दुखी हो रही थी, खूब दुखी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये घड़ी कितने की थी जो खो गई थी, 80 रुपए की थी उस जमाने में, 80 रुपए की थी, कि अच्छा तुम ये तो जानती हो कि कोई भी चीज एक बार खरीदते हैं और बरत लेते हैं तो उसकी कीमत तो आधी हो जाती, तुमने पहन ली थोड़े समय तो वैसे आधी कीमत हो गई, 40 की रह गई 80 की जगह, तो अब तुम एक काम करो जितना दुख मना रहे हो ना उसका आधा दुख मनाओ क्योंकि आधी कीमत रह गई उसकी तुम अभी जो दुख मना रहे हो वो 80 रुपए के हिसाब से मना रहे हो, फिर उसको 40 रुपए का मान करके ही दुख मानो, आधा दुख मनाओ, है ना, ऐसा समझा रहे हैं जितनी मात्रा में हम कसाय करते हैं उतनी मात्रा में बंद होता है, कभी कभी कसाय बाहर दिख जाती है, कभी कभी नहीं दिखती है, जैसे एक एग्जांपल बहुत पहले मैंने आपकी क्लास में नहीं दिया, एक बार यहाँ पढ़ाते वक्त दिया, कि एक घर में चार बेटे थे, मतलब चार भाई थे, और उनकी माँ जब खाना बनाई रही थी तो वो चारों को चटनी बहुत पसंद होती थी, तो चटनी बनाई थी, है चटनी, रोज चटनी चाहिए उनको, इतना पता नहीं कोई चटनी होगी जाके क्या, ऐसा उदाहरण है सर, तो एक दिन उनकी माँ ने चटनी नहीं बनाई तो वो चारों जब थाली परोसी गई तो एक ने तो उठा के थाली दूर फेंक दी,
क्या ये चटनी के बिना कोई खाना होता था, एकदम जोरदार कसाई दिखा दी, एकदम गुस्सा हो गया, नहीं खाऊंगा खाना। दूसरे ने जो है थाली तो हटा दी साइड में, गुस्सा नहीं किया, बस इतना ही कहा कि जब चटनी होगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तीसरे ने कुछ थोड़ा बहुत कहा, जरा एक सेकेंड, ठीक है। तीसरे ने भी कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा व्यक्त किया, और चौथे ने तो कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खाना खा लिया। अब चारों की जो कसाई है वो भिन्न भिन्न देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट क्या होगा कि कोई जीव बाहर से कसाय अंदर की दिखाएगा नहीं, और कोई जीव अंदर में कसाय थोड़ी है तो भी दिखा ज्यादा देगा, ऐसा भी होता है। जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, आप ऑफिस लेट पहुंचे और आपके बॉस ने आपसे कहा कि आप लेट क्यों आए, और आपको थोड़ा खरी खोटी सुनाई, आपको भी गुस्सा बहुत आया, लेकिन आप दबा के बैठे, बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ नुकसान हो सकता है। तो गुस्सा है अंदर में, कसाय है, लेकिन बाहर में हम व्यक्त नहीं करते। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, पंडित जी हैं हम लोग, पंडित जी है या कोई मंदिर का पुजारी है, जिसको सब लोग सोचते हैं कि ये बहुत ऊंचे पद पे है, अच्छा है, धर्मात्मा जीव है, और मान लो वो गुस्सा करता हुआ देखा जाए तो लोग समझेंगे कि अरे ये ऐसे होता है, और इज्जत पानी में, अरे क्या करे, थोड़ा दुनियादारी को देखते हुए। अंदर में कसाय मौजूद है लेकिन दिखाएगा नहीं। कभी कभी कसाय बहुत कम है अंदर में, लेकिन कसाय दिखानी पड़ती है। जैसे एक पिता है, वो अपने बेटे को डांटता भी है, खूब गुस्सा करता है उसके ऊपर, तू ऐसा कर वैसा कर, क्यों नहीं करता है तू, है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी क्या करेगा, कुछ गुस्सा थोड़ी करता है। तो इसी प्रकार से कई बार कसाएं बाहर में दिखती है, अंदर नहीं होती है या कम होती है, और कई बार बाहर में नहीं दिखती है और अंदर में बहुत होती है, ऐसा भी होता है। तो बाहर से जब कसाय दिखे उससे पैमाना नहीं है, बल्कि अंदर में जितनी कसाय है उतना उतना बंद जीव को प्रति समय होता है, उतना उतना बंद होता है। आप कहोगे बंद तो आपने बताया था सबको समान ही होता है, सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्यों से अनंत गुणे कर्म परमाणु प्रति समय आते हैं, तो बताओ अब इसमें कम और ज्यादा का क्या प्रश्न रहा? प्रश्न समझ में आया? अभी तो मैं कह रहा हूं कि बंद बहुत होता है, किसी को बंद, जिसके कसाय कम है उसको कम बंद होता है, जिसको कसाय ज्यादा होती है उसको ज्यादा बंद होता है, और आग बेरो की वो तो बंद तो फिक्स है, सिद्धों के अनंत विभाग परमाणु आते हैं प्रति समय, तो कम ज्यादा का क्या प्रश्न? तो उसका उत्तर एक बार बहुत पहले आया था, लेकिन वो याद नहीं रहता ना, इसलिए फिर से बताता हूँ। वो जो कर्म आते हैं ना, वो तो प्रकृति प्रदेश बंद हुआ, वो तो सबको समान होता है, किसी को कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन स्थिति और अनुभाग बंद में फर्क आ जाएगा। जिसके तीव्र कसाय है उसका कर्मों का स्थिति बंद भी बड़ा हो जाएगा और अनुभाग बंद भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा है। मतलब स्थिति अनुभाग बंद पे फर्क आएगा कसाय का, है। जोगा पैडी पदेसा ठिदी अनुभागा कसाय दो हुंती, द्रव संग्रह की गाथा है। द्रव संग्रह तो एकदम प्राइमरी लेवल का ग्रंथ है, उसमें कही है ये बात कि स्थिति और अनुभाग बंद कसाय से होते हैं। कसाय जिसके तीव्र है उसके कर्मों की स्थिति आत्मा के साथ लंबे समय के लिए रहती है, फल भी बहुत तगड़ा देती है, ये है फर्क। बंद भी चार प्रकार के हैं, ये पता होगा ना, बंद के निमित्त और भोग के निमित्त चल रही है बात। तो बंद भी चार प्रकार का है, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद, चार प्रकार का बंद है। और इन चारों प्रकार के बंद को समझने के लिए बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है कि मेडिसिन की दुकान में बहुत प्रकार की मेडिसिन रखी है, कोई कौन सी गोली है, कोई कौन सी टेबलेट है, कोई कौन सी टेबलेट है, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर टेबलेट का नाम जो डॉक्टर ने आपकी पर्ची पर लिखा है वो बोला कि ये वाली दवा दो, इतनी दवाइयों में से वो वाली दवाई निकाल के देगा, तो वो आपका एक प्रकृति बंद। कर्मों की बहुत प्रकृतियां हैं, लेकिन उनमें से कौन सी प्रकृति बंद रही है, तो वो हो गया प्रकृति बंद। अनेक कर्मों में से किसी एक नियत कर्म के परमाणुओं के आना वो जो है प्रकृति है, लेकिन वे कितनी मात्रा में, जैसे आपने जो दवाई का पर्चा था डॉक्टर का है, वो उसने वो वाली दवाई निकाली, लेकिन बोलता है कि कितनी टैबलेट चाहिए आपको, 10 टैबलेट चाहिए, 20 चाहिए, 40 चाहिए, कितने कितना पैकेट चाहिए,
तो अब आपने कहा साहब इसकी 20 टैबलेट दे दो, तो 20 निकाल के दे दी, तो वो हो गया आपका प्रदेश बंद। कर्म के परमाणु कितने आएंगे, कौन से आएंगे, ये तो हुआ प्रदेश प्रकृति बंद, कौन से आएंगे ये हुआ प्रदेश प्रकृति बंद, और कितने आएंगे वो हुआ प्रदेश बंद। कौन सी दवाई चाहिए वो हुआ प्रकृति, कितनी गोली चाहिए वो प्रदेश। ठीक है, फिर आप क्या देखते हो उस दवाई पर, एक्सपायरी कब की है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है, तो उसकी ड्यूरेशन कब तक वो ठीक ठाक रहेगी, है यूजफुल, तो वो उसकी जो है ड्यूरेशन है, तो वो जो है उसका स्थिति बंद हो गया एक प्रकार से। जो कर्म आत्मा के साथ आए हैं वो कब तक रहेंगे, स्थिति बंद है। फिर वो उस दवाई पर एमजी देखते हैं, है 500 एमजी की है कि कितने एमजी की है। तो वो जो एमजी होती है उसकी पावर होती है दवाई की, यदि 250 एमजी की गोली है तो फिर दो खानी पड़ेगी वो, है ना। तो इस तरह से वो पावर होती, पावर देखी जाती है। तो ऐसे कर्मों की फल देने की पावर कितनी है उसको बोलते हैं अनुभाग बंध। तो ये चार प्रकार का जो बंध है, इस ये कौन सा है, संसार संबंधी है, संसार संबंधी बंध है, और ये चार प्रकार का बंध है, और ये किससे होता है, राग द्वेष मोह से होता है। राग द्वेष मोह रहेंगे तो संसार बंधेगा, चलता रहेगा। देखो इसको पढ़ता हूँ, ये पैराग्राफ बीच में छोड़ दिया मैंने, सरल पैराग्राफ है ये। मोह राग द्वेष को संसार संबंधी अध्यवसान बताकर बंध का कारण बताया है, और सांसारिक सुख दुखों को शरीर संबंधी अध्यवसान बताकर उपभोग का कारण बताया है, क्योंकि क्योंकि बंध के कारण मोह राग द्वेष ही है। देखना ये वाली लाइन थोड़ी महत्वपूर्ण है, बंध के कारण मोह राग द्वेष ही है, सुख दुख आदि नहीं। सुख दुख आदि भोगने तो पड़ते हैं, पर उनके भोगने मात्र से बंध नहीं होता। बंध तो जब मोह राग द्वेष होते हैं तभी होता है, राग द्वेष से ही बंध होता है। समझ भाई, अकेले भोगने से बंध नहीं होता है, बंध तो राग द्वेष होने से होता है। देखो ज्ञानी भोगता है लेकिन राग द्वेष होता नहीं, इसलिए बंध नहीं होता है। देखो यही चीज को आप ऐसे, ये बंध की बात है ना, ऐसी भोग पर भी लागू करो। जैसे भोग पर भी ऐसे लागू करो कि जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी, भूख लगी या शरीर में रोग हो गया, पीड़ा हो गई, प्रतिकूलता आ गई, गर्मी लग रही है, लाइट चली गई है, समझ लीजिए। तो वो जो गर्मी लग रही है, शरीर में रोग हो गया है, वो दुख का कारण नहीं है, अपितु राग है वो दुख का कारण है। मैं ये चीज को कैसे समझे, आप समझो कि प्रतिकूलताएं बहुत हो सकती है, या फिर ऐसा समझो दूसरी तरह और थोड़ा सरल करें कि दो आदमी हैं, एक के जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत परेशानियां हैं, जीवन में उसके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, दो जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन फिर भी खुश रहे, मस्त है। और एक आदमी ऐसा है जिसके पास काफी पैसा भी है, सारी अनुकूलताएं भी है, नौकर चाकर भी है, फिर भी हमेशा दुखी रहता है। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि दुख किस बात का है, है? दुख परिस्थितियों से नहीं होता है, दुख मोह से होता है। शरीर में रोग है इसलिए जीव दुखी नहीं है, बल्कि मोह है शरीर से इसलिए दुखी। शरीर से मोह है, शरीर में रोग हो गया तो दुखी हो गया, शरीर से मोह नहीं हो फिर रोग हो जाए तो दुखी नहीं होता। कई मुनिराज ऐसे होते हैं, शरीर में कोढ़ फूट गया है, शरीर में कोढ़ होता है कुष्ठ रोग, वो कुष्ठ रोग हो गया, पूरा शरीर सड़ गया है, बदबू आ रही है, कोई पास में आता नहीं है, तो भी वो जो है शांत मुद्रा में एकदम बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास उस रोग को दूर करने की ताकत नहीं हो, ऐसे ऐसे मुनिराज हैं जिनके पास अनेक रिद्धियां प्रकट हो गई है, लेकिन वे रिद्धियों का कभी उपयोग भी नहीं करते, क्योंकि उनको पीड़ा ही नहीं, वो अपने शरीर को अपना जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो इससे इसका मेरे को क्या करना, इलाज करते। ऐसा भी है, एक कहानी आती है, कौन से मुनिराज, यशोधर थे, कौन से मुनिराज, उनकी एक कहानी आती है। तो उस कहानी में ये है कि उनको शरीर में रोग हो गया, बहुत पीड़ा हो गई है, ध्यान भी नहीं दे रहे थे शरीर पर, और कोई उस नगर में, जिस नगर में वो आए थे, वहां नगर में कोई विद्वेषी, कोई अन्य मत के विद्वेषी लोग थे, उन्होंने देखा
और कहा कि राजा के दरबार में, अरे ये जो जैन मुनि होते हैं ना बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, इनके तो बहुत पीड़ा रहती है शरीर में, रोग बदबू कितनी, क्या कुछ समझ में नहीं आता, इस तरीके से बुराइयां कर रहे थे। और उस राजा के जो मंत्री थे, उन मंत्रियों में एक जैन मंत्री था, उसको ये बात बड़ी बुरी लग रही थी, लेकिन मन ही मन बेचारा सोच रहा था क्या करूं। वो जो है रात्रि में ही, मतलब रात्रि में क्या, शाम को जब भी दरबार से जब भी फ्री हुआ तब गया मुनिराज के पास। और मुनिराज से कहा, महाराज आपके पास तो बड़ी रिद्धियां हैं, आप अपनी रिद्धियों का कुछ भी उपयोग करो, चाहे कुछ भी करो, ये शरीर के रोग को कल तो एकदम बिल्कुल ठीक कर लो, क्योंकि कल सुबह राजा साहब खुद आएंगे देखने के लिए, क्योंकि आज ही उनके दरबार में जाके लोगों ने ऐसा सब बोला है, तो राजा खुद आकर के देखेंगे, और उनके सामने में यदि यही स्थिति रही तो फिर जैन धर्म की तो बिल्कुल प्रभावना एकदम बहुत नीचे आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, मेरे को तो डर लग रहा है, घबरा रहा था भगवान। तो मुनिराज ने कहा, देखो ये परद्रव्य है, शरीर परद्रव्य है, हम इसके कर्ता धर्ता नहीं है, इसकी जो होना होगा जो हो जाएगा, इससे जैन धर्म की प्रभावना और अप्रभावना का क्या संबंध, शरीर तो परद्रव्य है, इससे क्या संबंध, हम तो नहीं करते कुछ भी लोग। वो आदमी बहुत घबराया, कहानी में आपको इतने बढ़िया तरीके से नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन यदि पढ़नी हो तो वो कहानी में आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, उस कहानी का टाइटल है आप कुछ भी कहो, इस कहानी का टाइटल ये आप कुछ भी कहो, बहुत सुंदर कहानी है, गजब की कहानी है, एकदम कालजयी कहानी है। तो उस कहानी में जिस तरीके से उसको उभारी गई है बात, वो शब्दों में मेरे को कहने में नहीं आएगी है, लेकिन फिर भी देखो मुनिराज से काफी देर चर्चा की, और वो आदमी काफी परेशान था, रात भर सो नहीं पाया, सोच रहा था सुबह मेरे जैन धर्म की क्या स्थिति होगी, लोग हंसेंगे कि क्या जय जयकार करेंगे। लेकिन रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ, वो मुनिराज के इतना पुण्य के उदय से वो शरीर का कुष्ठ रोग जो है दूर हो गया, कंचन जैसी काया हो गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि अरे ये क्या, जैसा सुना वैसा नहीं है, ये तो कुछ जोरदार कहानी है। फिर सब लोग जय जयकार करने लगे, वो आदमी भी जय जयकार करने लगा, मुनिराज से कहने लगा, अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने तो इज्जत बचा ली। मुनिराज का, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो शरीर की अवस्था है, शरीर की अपने आप होती है, और तुमको यदि विश्वास नहीं तो ये देखो अभी भी इधर हाथ में नहीं थोड़ा सा जो है कुष्ठ रोग बचा हुआ है, यदि हम ठीक करने वाले होते हम इसको भी ठीक कर लेते, इतना सा भी क्यों छोड़ते। ये तो ये एग्जाम्पल है, जस्ट कहने का अर्थ ये है कि परद्रव्य में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जगत में देखो हम ये सोचते हैं मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, ये तो मेरे जिम्मे है, ये तो मैं इस पोस्ट पे हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मुझे ही करना है, और हम कितने परेशान होते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं। लेकिन इस दुनिया में हमसे भी बड़े बड़े बहुत महावीर आए हैं, और वे सब भी अपने अपने अनुसार करके चले गए, और संसार में जो होना है वही होगा, हमारे बाद भी जो होना है वही होगा, हमारे किए कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं परद्रव का करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, इस प्रकार की मान्यता ज्ञानी की रहती है, और इसलिए वो ज्ञाता दृष्टा बना रहता है। ये गजब की बात है, समय सार ऐसी चीज समझा रहा है जो आत्मा, देखो क्या होता है, बाहरी प्रसन्नता तो है ही, लेकिन आंतरिक प्रसन्नता सिखा रहा है, अंदर से प्रसन्न रहना सिखा रहा है समय सार। हर आदमी प्रसन्न रहो, आपकी मर्जी का हुआ तो भी प्रसन्न रहो, आपकी मर्जी का नहीं हो तो भी प्रसन्न रहो, ऐसी बात सिखा रहा है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो कक्षा होती है उसमें भी यही चीजें सिखाई जाती है, कि आप प्रसन्न कैसे रहो, कैसे कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करो, वो देखा जाए तो उसी तरीके की बातें हैं ये, उसी तरीके की बातें हैं ये समझ में आ गई ना बात। सुख दुख भोगने से कोई बंद नहीं होता, बल्कि राग द्वेष होने से बंद होता है ना। अब देखो स्वामी जी वाला तीसरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। ज्ञानी के सभी प्रकार के रागादि विभाव भाव नहीं है, ना तो उसके संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है। और ये क्या किया स्वामी जी ने, इनको कर्तृत्व और भोक्तृत्व ऐसा सरल शब्द कर दिया, थोड़ा सरल नाम दे दिया। अब जैसे ये बंद के निमित्त, भोग के निमित्त, अब इनको थोड़ा तो उन्होंने कहा ये जो संसार संबंधी है बंद के निमित्त, वे हो गए कर्तृत्व, सरल ऐसा। और जो दूसरा शरीर संबंधी है उनको कह दिया भोक्तृत्व, है ना। देखो ज्ञानी के सभी प्रकार के रागादि विभाव भाव नहीं है, वे तो उसके संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है।
और न शरीर संबंधी भोक्तृत्व का राग है, गलत तो नहीं पढ़ दिया, कोई छूट दिया दिखता शब्द, ना तो उसके संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है और न शरीर संबंधी भोक्तृत्व का राग है, क्योंकि अपने निराकुल आनंद के स्वाद के समक्ष उसके कर्तृत्व व भोक्तृत्व संबंधी सभी प्रकार के राग का रस फीका पड़ गया है, पर के कर्तृत्व व भोक्तृत्व का उत्साह संपूर्णतया समाप्त हो गया है। देखो ये जो दो शब्द है ना इस गाथा में, बंधु भोग निमित्त, ये दो शब्दों को जरा सरल शब्दों में किस तरह से समझ सकते हैं वो थोड़ा सा मैंने कोशिश तो की है, जितनी वही ठीक ठाक देख लीजिए। एक तो है संसार संबंधी और एक है शरीर, बंधु भोग निमित्त, संसार संबंधी और शरीर संबंधी। संसार संबंधी जो अधिवसान है वे बंध के निमित्त, शरीर संबंधी जो अधिवसान है वे उपभोग के निमित्त है। क्या है वे? है बंध के निमित्त मोह राग द्वेष, उपभोग के निमित्त है वो सुख दुख आदि है। इनको सरल शब्दों में कहने हो तो कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि कह सकते हैं। आप कहोगे कि अभी अभी आपने कहा कि सुख दुख भोगने से बंध नहीं होता है ना, सुख दुख भोगने से बंध नहीं होता है बल्कि राग से बंध होता है। तो यदि मान लो किसी के अकेली भोक्तृत्व बुद्धि हो, प्रश्न समझ में प्रश्न समझ में आ रहा है, अकेली भोक्तृत्व बुद्धि हो और कर्तृत्व बुद्धि ना हो तो क्या बंध नहीं होगा उसके? मतलब थोड़ा सा कोई कुतर करना चाहे तो, मतलब बाल की खाल निकालने, कई लोग होते हैं बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं, यदि ऐसे थोड़ी सी कोशिश करे और ऐसा प्रश्न करे, अच्छा अच्छा भोगने से बंध नहीं होता है राग द्वेष से होता है, तो ठीक है कर्तृत्व बुद्धि छोड़ देते, केवल भोक्तृत्व बुद्धि होगी तो फिर तो नहीं होगा। तो उसका मतलब देखो, जहां कर्तृत्व बुद्धि होती है वहां चारों ही होती है, जहां जिन चारों में से एक होती है वहां चारों ही रहती है, जब जाती है तो चारों साथ में जाती है और रहती है तो चारों साथ में रहती है। पहली बात तो ये है, दो उत्तर हैं इसमें से एक उत्तर तो ये हो गया, दूसरा उत्तर भी है, दूसरा उत्तर ये है, ये जो भोक्तृत्व बुद्धि है ना ये भी तो एक प्रकार से कर्तृत्व बुद्धि है। कैसे? मैं परद्रव्य को भोगता हूँ, भोगना भी तो करना हुआ, मैं भोगता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भी तो वर्ब है, भोग मैं भोग सकता हूँ, मैं भोगने की क्रिया का करता हूँ, तो ये कर्तृत्व बुद्धि इसमें भी आ जाती है। इसलिए भोगना मजबूरी में भोगना अलग बात है और मैं भोग सकता हूँ ये मान्यता रहती है तो वो भी बंध का ही निमित्त है। ये दूसरा उत्तर है, दो उत्तर दे दिए मैंने, थोड़ा जल्दी में दे दिए फास्ट, इसलिए थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके सुन लेना है ना, एक पैराग्राफ लास्ट में पढ़ के फिर कलश पढ़ेंगे। नीचे का है 249 पेज पर नीचे से, भाई व्यवहार रत्नत्रय के भाव ही यदि कर्ता बुद्धि से हुए हैं, अच्छा पैराग्राफ है, सोचने वाला है क्या, आप सुनना, व्यवहार रत्नत्रय के भाव भी यदि कर्ता बुद्धि से हुए हैं तो वे बंद भाव हैं। व्यवहार रत्नत्रय वैसे बंद का कारण तो है कि नहीं है, लेकिन कर्ता बुद्धि से है तो देखो है, बंद का कारण तो वैसे भी है, लेकिन दो दो तरीके से समझो, व्यवहार रत्नत्रय से शुभ बंद होगा ये बात तो ठीक है, लेकिन जब हम उनमें कर्तृत्व बुद्धि से ही करते हैं, जैसे मैंने जीव रक्षा की, मैंने अहिंसा का पालन किया, मैं कर सकता हूँ, देखो मैं जीवों को बचा के चलता हूँ, ऐसा वहां कर्तृत्व बुद्धि रखा तो वो जो शुभ भाव है ना उसकी जगह पर मिथ्यात्व का पाप बढ़ना शुरू हो जाए। कैसी पेचीदगी बात है, एकदम सूक्ष्म टेक्निकल बात है, मैं शुभ भाव तो किया लेकिन उस शुभ भाव से जो शुभ बंद होना चाहिए उसकी जगह मिथ्यात्व का पाप बंद हो गया, अब बताओ क्या कैसी स्थिति है। इसलिए जगत जो है अनादिकाल से संसार में इसलिए भटक रहे हैं, अनादिकाल से ये असली कारण चल रहा है। व्यवहार रत्नत्रय पुण्य बंध का कारण है लेकिन फिर भी मिथ्यात्व हो जाता है, पुण्य करते करते भी मिथ्यात्व का बंध कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी समझदारी के अभाव से, है ना। व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम शुभ भाव है और उनमें कर्तृत्व बुद्धि संसार संबंधी बंध का भाव है, तथा त्रिकाली शुद्ध एक गायक भाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ शुद्ध रत्नत्रय का परिणाम द्रव स्वभाव होने से अव्यभिचारी भाव है। ठीक है, ये तो आत्मा की बात हुई, कहने का मतलब ये जो बात है ना, ये वाला जो पैराग्राफ जिसको मैंने अभी अभी पढ़ा है, ये आज समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है,
अभी इसके अगला जो अधिकार आने वाला है बंद अधिकार, उसमें इस बात को खोलेंगे। उसमें ये खोलेंगे कि कोई जीव, कोई ये सोचे कि मैं सावधानी से चल के जीवों की रक्षा करता हूं, तो ये उसका मिथ्यात। अरे तुम जीवों की रक्षा करने वाले कौन है? वो तो उसका आयु कर्म है, वो आयु कर्म से जीते हैं। हर जीव अपने आयु कर्म से जीते हैं। हम बचाने वाले मारने वाले कोई नहीं हो सकते। हम बचाएंगे कैसे जब आयु नहीं दे सकते? आयु बढ़ा सकते किसी की? आयु बढ़ाने का हमारे पास राइट है? नहीं है। तो हम जीवों की रक्षा करने वाले कौन है? हम जीवों को मारने वाले भी कौन है? हैं, हम किसी की आयु हर नहीं सकते। ये बात इसको बहुत सीधी सीधी सरल सरल गाथाओं में, बंद अधिकार की शुरुआत की 8-10 गाथाएं हैं, एकदम सरल, 10-12-15 गाथाएं, एकदम सरल, बहुत ही सरल, लेकिन बहुत ही जोरदार तत्व को एकदम सामने रख देने वाली गाथाएं ऐसे आने वाली है। तो देखो ये जो 117वीं गाथा, ज्ञानी के जो है भोग के निमित्त और बंध के निमित्त दोनों ही नहीं है, तो आप बताओ उसके बंध कैसे हो गए? निर्द्रयी होगी, है ना। अब इसके अगला जो कलश है वो पढ़ लेते हैं। गाथा तो लगभग लगभग हुई, है ना। गाथा में क्या कहा वो मैं आपको सारांश में बता देता हूँ एक मिनट में। इस गाथा में ये कह रहे हैं कि कसाय है तो बंध है, कसाय नहीं है तो बंध नहीं है, इतनी सी बात। और उसी बात को अब इस कलश में बताएंगे, है। जब तक कसाय इतना करे सर्वांग फिट कर आदि से, तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं, बस उस तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को न प्राप्त हो। राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मास्त हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। दो कलश हैं छोटे छोटे, उन दोनों का ये हिंदी पद्यानुवाद पढ़ दिया मैंने। इसमें क्या कह रहे हैं, जब तक कसाईत न करे सर्वांग फिटकरी आदि से। इसका आप ये समझो, कसाय शब्द है ना, कसाय, उसके दो अर्थ हैं। अच्छा, ये जो आंवला जो खाते हैं अपन, आंवला, उसका स्वाद कैसा होता है? कसायला भी तो होता है, कसायला एक टेस्ट का नाम भी है, है, तो वो भी कसाय है। आंवले का जो स्वाद है उसको भी कसाय बोलते हैं, और आत्मा में ये क्रोधमान माया लोग होते हैं, ये भी कसाय है। तो कसाय के दो मीनिंग हो गए, ठीक है। एक कसाय रस का भी नाम है, ठीक है, और एक कसाय ये आत्मा के विभाव, इनका भी नाम है। तो इन दोनों में किस प्रकार की समानता, ऐसा जोरदार उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ पर, है। इसको हटा देते हैं। देखो कसाय के दो मीनिंग है, ठीक है, कसाय के दो मीनिंग है, एक कसायला रस और एक कसायला विभाव। तो ये कह रहे कि इन दोनों में बिल्कुल एक जैसी समानता है। जब तक किसी किसी कपड़े पर रंग चढ़ाना हो, जयपुर में ये काम बहुत होता है, कपड़े का, कपड़े में रंग चढ़ाने का ये सब काम बहुत होता है। तो पहले हम कॉलेज जाते थे तो उधर रास्ते में ही वहीं पर ये काम देखते थे लोगों को। कपड़े पर रंग चढ़ाने के पहले उस कपड़े को वो कुछ डुबो के रखते थे काफी समय तक। किसमें, हमने तो कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस समय साथ में लिखा है कि किसमें डुबा के रखते हैं। तो वो कह रहे कि उसमें कसाईत, मतलब कसायले रस में डुबा के रखते हैं। पानी में कुछ कसायला द्रव्य होता है, नमक होती है, फिटकरी होती है, और कोई हरड़ होती है, जो जो कसायली चीजें होती है वो सब चीजों को मिक्स करके और एकदम कसायले टेस्ट वाला पानी बनाते हैं, और उस पानी में उस कपड़े को डुबो के रखते हैं बहुत समय तक। है, पूरे कपड़े के पोर पोर में पूरी तरह से कसायला रस एकदम हो जाना चाहिए, तब जा करके उसके ऊपर रंग चढ़ेगा। समझ में आई बात? इसको ये उदाहरण है, उदाहरण में को समझने, अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो दृष्टांत को समझने में आनंद आ जाएगा आपको। उदाहरण को फिर से देखो, कई बार क्या होता है, अपन घर में यदि कपड़े पर रंग चढ़ाने की कोशिश करें तो हमसे अच्छी तरह नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? वो कपड़ा कहीं कहीं से जो है ना ऐसे रेसे रह जाते हैं, कलर पूरी तरह से एक जैसा पूरा नहीं चढ़ता है। पूरा कब चढ़ता है कि जब वो पूरी तरह से कसायला हो जाए वस्त्र,
तब उसके ऊपर रंग चढ़ता है पूरा, ठीक है ना। अब देखना, कसाय का काम है परद्रव को अपनी तरफ चिपका लेना, कसा जैसे ग्लू होती है ना, ग्लू के ऊपर चिपक जाती है, ऐसे वो कसाय होती है वो दूसरी चीज को अपने पे चिपका लेती है। ऐसे ही आत्मा में जो कसाय होती है, आत्मा में जो कसाय होती है वो कर्म परमाणु को चिपका लेती है। हम कपड़े को रंगते हैं, ऐसे आत्मा को किससे रंगते हैं, कार्मण वर्गणों से रंग देते हैं। कैसे रंग देते हैं कि कपड़े को पहले कसाय करते हैं तब रंगने में आएगा, ऐसे ही आत्मा में जब कसाय होगी तो ये कर्म परमाणु से रंगने में आएगा। यदि इसके कसाय नहीं होगी आत्मा में तो ये कर्म परमाणु इसके चिपकेंगे ही नहीं। बताओ, कपड़े पे जैसे रंग नहीं चढ़ता, यदि कपड़ा कसायला नहीं हो फिर उस पर रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही आत्मा में यदि कसाय उत्पन्न नहीं होगी तो ये कर्मण वर्गणा उस पर चढ़ेगी नहीं, चिपकेगी नहीं, कर्मबंध होगा ही नहीं उससे। ऐसा मैचिंग बिठा रहे हैं आप, देखो इसको ऐसा है इसमें। जब तक कसायित ना करे सर्वांग, सर्वांग यानी कपड़े के पोर पोर में वो कसायला रंग होना चाहिए, तब वो एक जैसा रंग चढ़ेगा। और जिधर भी कसायला थोड़ा नहीं है मान लो तो उधर रंग नहीं चढ़ेगा, बाकी कपड़े पे चढ़ जाएगा, वो दिखेगा कैसा, बेकार दिखेगा कपड़ा। तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं, बस उस तरह ही राग रस से कसाय से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन, यदि उस कोई सम्यक ज्ञानी जीव के कसाय नहीं है तो अब उस पर भी रंग नहीं चढ़ेगा, कर्मण वर्गना करंग जो चढ़ाना चाह रहे वो नहीं चढ़ेगा। फिर सब कर्म करते, वे कर्म करते हैं लेकिन उनके अंदर में वो कसाय है नहीं, इसलिए वो परिग्रह भाव को प्राप्त होते नहीं है। राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक यानी इस धरती पर कर्मस्थ हो, कर्मों के बीच में भी रहें, लेकिन कर्म रज से वे लिप्त होते ही नहीं। ये बात को बहुत अच्छी तरीके से आगे भी आएगी ये बात, और उदाहरणों से भी समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ज्ञानी को राग, क्या कह रहे हैं, ज्ञानी को चिदानंद रूप भगवान आत्मा के प्रेम के कारण राग का प्रेम छूट गया, राग नहीं छूटा, राग का प्रेम छूट गया है? देखो बात तो यही है, एक पैराग्राफ बीच में से पढ़ता हूँ, बीच में से। यह बात शुभ राग के रसिकों को अटपटी लगती है, ये गुरुदेव कांज स्वामी के व्याख्यानों से लिए गए सेंटेंस है बीच बीच में, तो वो उनकी एक जैसी बातें हैं। उन्होंने जो जीवन में देखा है, जिस कुल में जन्म लिया, जहाँ जिस प्रकार की परिस्थितियों में रहे, तो वहाँ लोगों को देखते थे कि लोग इन शुभ क्रियाओं में धर्म मानकर बैठे हैं, तो वो उन पर जो है हर प्रवचन में एक जैसी बात कहते थे। तो वो जब शुभ भावों का, शुभ क्रियाओं का निषेध करते थे तो वो यही कहते थे कि ये बात शुभ राग के रसिकों को अटपटी लगती है, उनके गले नहीं उतरती, पर क्या करें, बात तो यही यथार्थ है, अंततः तो यही स्वीकार करना होगा, धर्म करने और सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं। ये इस प्रकार से ये बात को समझा रहे हैं। समय भी तेजी से बढ़ रहा है, अभी इसका जो है बनारसी दास जी का पद्यानुवाद और पढ़ देता हूँ। जैसे पिट करी लोंद हरड़े की पुटे बिना, श्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीर में, इसमें निकाल देता हूँ, सामने रहेगा, सामने दिखा देता हूँ यार। जैसे पिट करी लोंद हरड़े की पुटे बिना, श्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीर में, भिग्यो रहे चिर काल सर्व थन होई लाल, भेदे नहीं अंतर सुफेदी रहे चीर में, तैसे समय किते वंत राग देश मोह बिनु, रहे निशिवासर परिग्रह की भीड़ में, पूरब कर्म हरे नूतन न कर्म तो नूतन न बंध करे, जाचन जगत सुख राचन शरीर में। जैसे फिटकरी लौंद हरड़े इन सबको मिला करके और उस कसायले पानी में श्वेत वस्त्र इन सफेद कपड़े को जब डुबो के रखते हैं काफी देर तक, जिससे कि उसमें पूरी तरह से वो कसायला पानी चढ़ जाए, तो फिर उसके बाद उस पर लाल रंग चढ़ाएंगे तो चढ़ जाए, लाल पीला जो भी चढ़ जाए, है ना। ऐसे ही आत्मा में यदि कसाय रहेगी तो उस पर कार्मण वर्गणा चारों ओर से चिपक जाएंगे, है ना, ऐसा। तैसे यानी उसी प्रकार समकितवंत राग द्वेष मोह बिनु, है राग द्वेष मोह के बिना, भले ही निशी वासर, निशी माने रात, वासर माने दिन, रात दिन परिग्रह की भीड़ में भी रहे,
छियानवे हजार रानियों के बीच रहे, सिंह छह खंड की विभूति के बीच भी रहे, तो भी पूर्व कर्म हरे, पूर्ण पूर्व कर्म हरे माने निर्जरा होती है, पहले की कर्म निर्जरा होती है, नूतन ना बंद करे, बंद होता नहीं। जांचे ने जगत सुख और जगत के जितने भी भोग हैं उनको जांचे माने इच्छा नहीं करता है, राचे ने शरीर और शरीर में मगन नहीं होता है, शरीर संबंधी बातों में और संसार, ये दो शब्द आए थे संसार संबंधी और शरीर संबंधी, तो ये जो लास्ट लाइन यहाँ है, जांचे न जगत, जगत माने संसार संबंधी, शरीर देह संबंधी, तो देह संबंधी और संसार संबंधी दोनों चीजों में वो एकदम जुड़ता नहीं है। ज्ञानी मगन रहे, ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदि कमल कोई चित उदास कर नहीं करे, कर्म बंद नहीं हो। बात वही है ना, एक और छंद है उसको भी पढ़ के पूरा कर देते हैं। जैसे काहू देश को बसैया बलवंत नर, जंगल में जाई मधु छत्ता को गहतु है, वाको लपटाई चहूं और मधु मच्छी कांपे, कंबल की ओट सो अडंकी तेरा तू है। जैसे सम किति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि से कहतु है, पहिरे सहज को सनाह मन में ऊंचा, थाने सुख राह उद्वेग न लहतु है। जैसे कोई आदमी आया और उसने मधुमक्खी के छत्ते को है, मधुमक्खी होती है हनी भी, उसके छत्ते को तोड़ा, शहद जो भी उसका मकसद होगा, अब वो क्या है सारी मधुमक्खियां आकर के उसको चिपट जाती हैं, लेकिन चिपट जाती है लेकिन फिर भी उसको कोई तकलीफ नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने पहले से कंबल लपेटा हुआ है अपने शरीर के चारों ओर एकदम, कहीं पर भी कोई सुराख नहीं, बिल्कुल एकदम पैक होके आया है, आप समझो ये पीपी किट पहन के आया है, समझो वो पीपी किट जैसा पहन के आया, अब चाहे जितनी भी मधुमक्खी उसको चिपट जाए तो भी अभी वो अडंकित रहा, उसको डंक नहीं मार पाएगी वो। इसी प्रकार वो ज्ञानी जो है एक प्रकार की ऐसी पीपी किट में बंद है कि कर्म के जो है बंद उसको होता ही नहीं, ये समझा रहे हैं। तैसे समकिति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, वो मोक्ष मार्ग, शिव सत्ता नहीं मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, उदय की उपाधि को और उदय से कर्म उदय से जो भी परिस्थिति बनती है अच्छी बुरी वो भी उस सब में एकदम समाधि यानी तटस्थ भाव से रहता है, अच्छी परिस्थिति बने तो अहंकार नहीं करता, बुरी परिस्थिति करे तो एकदम दीनहीन नहीं हो जाता, एकदम तटस्थ भाव से रहता है, उसका मतलब समाधि सी, समाधि जैसे ले रखे ऐसे। पहिरे सहज को सना मन में उछाए, और बख्तर सहजता का बख्तर पहने, ये पुराने जमाने में कोई एक वस्त्र है उसको पहनने को बख्तर बोलते, तो सहजता का एकदम चोला पहने हुए ऐसा समझ, सहज रूप में रहते हैं, मन में उछा, मन में उत्साहित है ना, पॉजिटिव थिंकिंग है कुल मिलाकर, थाने सुख राह उद्वेग न लहतु है, और क्या इसका अर्थ क्या है, अतिंद्रिय आनंद की राह में डटे रहते हैं और उद्वेग को प्राप्त नहीं होते हैं, ये अर्थ है। इस प्रकार कुल मिलाकर मैंने इनमें ज्यादा विश्लेषण नहीं किया पिछले वाले छंद में भी और इस वाले छंद में भी, क्योंकि विश्लेषण की एकदम बात है नहीं, उदाहरण से बात एकदम पूरी तरह क्लियर है, एकदम क्लियर है, दो उदाहरण हैं, दो छंद हैं, दो उदाहरण हैं। पहले छंद में उदाहरण दिया था कि जो कपड़े पर रंग चढ़ने वाला, दूसरे में उदाहरण दिया ये मधुमक्खी के छत्ते पर, पहले वाले में तो कहा कि कपड़े पर रंग चढ़ जाएगा यदि वो कसाया वस्त्र है तो, है ना, और यहाँ पर कहा कि वो मधुमक्खी उसको नहीं डंक लगाएगी यदि वो कंबल ओढ़े हुए थे, तो कैसी स्थिति होती है, यानी कि जो पहले वाला छंद पढ़ा ना वैसी स्थिति नहीं होती है, और दूसरा वाला छंद पढ़ा ना वैसी स्थिति होती है, एक को पॉजिटिव वे में दूसरे को नेगेटिव वे में, पहला वाला छंद था वो नेगेटिव वे वाला था, दूसरा वाला छंद है वो पॉजिटिव वे वाला है, इस तरह से एक ही बात को दो तरीके से दो उदाहरणों से समझाइए, है ना, एकदम सरल थी, उदाहरण की बात थी इसलिए मैंने ज्यादा स्पष्ट नहीं किया, समय भी हो रहा था, ठीक है, फिर भी नहीं कोई समझ में आया तो आप पूछ लेना प्रश्न, ठीक है, तो आज की बात को यहीं विराम देते हैं, समझते हैं एकदम स्पष्ट हो गया होगा।
आगे की चर्चा आगे करेंगे। जय जय जिंदा।